1990 के बाद दो नारा एक साथ चला। पहला, श्री राम हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। दूसरा विरोधियों का था जो बीजेपी के खिलाफ थे, मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज बीजेपी ने यह साबित कर दिया कि अगर राजनीति की इच्छा शक्ति मजबूत हो तो दुनिया का कोई भी काम किया जा सकता है। प्रधानमंत्री आज अयोध्या पहुंचे तो वो सपना साकार होता करोड़ों हिंदुस्तानियों ने देखा, जिसे सैकड़ों वर्षों से हिंदू देखना चाहता था। अगर आज कोरोना ना होता तो किसी एक जगह पर इकट्ठा होने वाली भीड़ सबसे ज्यादा होती। भारत के लिए ये वो पल था जिसके लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। इस दिन के इंतजार के लिए कितनों के प्राण गए, कितनों की सांसें रुकी, लेकिन भक्त हारे नहीं। भक्तों की उम्मीद बनी भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी जब जनसंघ से बीजेपी बनी तब राम मंदिर को मुख्य एजेंडे में शामिल किया गया। करीब चार दशक के बाद वो दिन आया जब भक्तों के भगवान प्रभु श्री राम का मंदिर शिलान्यास का काम शुरू हुआ। 5 अगस्त भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन बन गया जिसे अब कभी भुलाया नहीं जा सकता। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन शुरू होते ही पूरे भारत में जगह जगह भगवान श्री राम की पूजा अर्चना शुरू हुई। जय श्री राम के नारों से पूरा भारत आज गूंज रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच सुल्तानपुर में भी पूजा और हवन किया गया। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी श्री राम की पूजा की गई। सुनिए राम भक्तों का इस बारे में क्या कहना है। रामवासी क्षेत्रवासी से जो भी हो सका वो सब लोग मेरे साथ मिले हैं। कोई इस मंदिर में पूरा झालर पूरा उत्सव एवं सुंदरकांड मनाया जाएगा। आज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है, पूरी जनता जो है बहुत प्रसन्न है। 500 वर्ष के बाद आया है ये ऐसा दिन, ऐसा सौभाग्य दिन बहुत दिन बहुत मुश्किल से आता है, लेकिन आज का दिन बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है। हजारों हजार राम भक्तों की कुर्बानी आज बहुत ही अच्छा फल दे रही है और ऐसी प्रसन्नता कभी भी नहीं मिली थी जीवन में जितना आज मिली है कि कुर्बानी हम लोगों की व्यर्थ नहीं गई। हर राम भक्त को आज का दिन तो बहुत बेसब्री से इंतजार था और जो जैसा कि आप सभी जानते हैं 500 वर्ष का ये पुराना दाग था जो कि आज मिट रहा है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से आज शिलान्यास होगा और सभी आज चौकवासी पूरे सुल्तानपुर जनपद, जबकि मैं कहूँगा पूरे देशवासी आज अपनी खुशी का इजहार करेंगे। पूरा देश आज इस जश्न को पूरी तरह से मना रहा, बस इतना है कि आज वैश्विक महामारी के कारण लोग उस नगरी में नहीं पहुँच पा रहे हैं, लेकिन प्रत्येक देशवासी प्रत्येक व्यक्ति आज टेलीविजन के माध्यम से उस मनोरम दृश्य को अपनी आंखों से देखेगा। लोगों के अंदर खुद भी ये भावना है तो वो लोग अपना दीपदान मोमबत्ती सब कर रहे हैं। नागेश्वर मंदिर जो सागन चौराहे स्थित है पीछे, यहाँ 551 दीपों का 7 बजे 7:15 बजे महाआरती भी है। कभी अटल बिहारी वाजपेयी तो कभी आडवाणी तो कभी अशोक सिंगल की लंबी कोशिशों को देश ने देखा है, तो कभी कोर्ट कचहरी का लंबा इंतजार भी देखा गया। अंत में वो दिन भी आया जिसका इंतजार हम सभी को था। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की कुछ पार्टियों में शामिल हो गई है जिन पार्टियों ने अपना मुख्य चुनावी एजेंडा लगभग पूरा कर लिया। बेशक फैसला कोर्ट ने सुनाया हो, लेकिन मंदिर की आस जिंदा रखने वाली भारतीय जनता पार्टी ही है। फिलहाल राम मंदिर का शिलान्यास हो चुका है और जल्द ही अयोध्या में भक्त भव्य राम मंदिर का भी दर्शन कर सकेंगे। सुल्तानपुर से सरफराज अहमद की रिपोर्ट। सच्चाई वही जो हम बताएं।